91 के आज हाल बताऊंगी। यहाँ पे दो मिनट की बारिश में ही एक एक घंटा लाइट जाती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे कल ही बारिश हुई थी और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे कितना ज्यादा पानी भर चुका है। सिर्फ 5-10 मिनट की बारिश में ही इतना ज्यादा पानी भर चुका है, आप देख सकते हैं। और वो और आप ये भी देखिए, आप देख सकते होंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये खतरा है, क्योंकि ये आप थोड़ा सा गैप देख ही सकते हैं, ये जो नाला है यहाँ पे गैप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा गैप है। और यहाँ पे बहुत से लोगों की गिरने का खतरा है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज और दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये कितना ज्यादा कूड़ा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कितना ही ज्यादा कूड़ा है। और आज तक कोई भी सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं इसके बाद, हम कुछ सेक्टर 91 के लोगों से बात करते हैं। चलिए आप इधर आइए जरा, आपको यहाँ सेक्टर 91 में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे सेक्टर 91 में? नाला साफ हो रहा है, जैम हो रही नाल, तब भी लोग नाल साफ, पानी इतना भर जाता है, पानी के लिए कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का। बच्चे जब साइकिल चलाने जाते हैं वो वहाँ ही गिर जाते हैं, लेकिन इन सब के जिम्मेदार सेक्टर वाले हैं। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं। यस, आपको यहाँ सेक्टर 91 में क्या क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं? वो आप देखिए, वो वहाँ कूड़ा जमा हुआ है, इतनी बदबू आती है वहाँ, लेकिन वो आज तक कूड़ा कभी साफ नहीं करवाया है। और आज यहाँ एक पार्किंग की जगह आगे ढेर सारी जगह पड़ी है, पार्क में एक जगह बनाई है, देखिए आपको एक घर दिख रहा होगा, वहाँ पार्क है, वहाँ पार्किंग की एक जगह बना दी थी, वो गली गलियों में इतनी गाड़ियाँ भरी हुई है, इतनी गाड़ियाँ भरी हुई है, उसका कोई रास्ता नहीं है। इनके पास इतनी बदबू आती है, हम बता नहीं सकते, नालियों का बोले कि खंडर है वो साफ करवा नहीं सकते, कोई कोई खंडर है इनमें साफ करवा। आप लोगों ने यहाँ पे जैसे कि देखा